मसीह खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। दोस्तों, आपने आँखों वाले बहुत से लोगों को बाइबल मुकद्दस की तिलावत करते सुना होगा और देखा होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बिना आँखों वाले लोग किस तरह से बाइबल मुकद्दस की तिलावत करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। गॉड ब्लेस यू। ये बाइबल है और इसे जो ये जो राइटिंग है इसे ब्रेल हम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से ब्लाइंड बच्चे जो है वो पढ़ते हैं, ये हम टच करके पढ़ते हैं। अभी मेरे पास लिखने वाला जो जिससे हम लिखते हैं वो मेरे पास वो सब कुछ है नहीं, वरना मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। मैं ये बाब 8 है और 30 आयत से पढ़ूंगी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थीं और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाह गड़े में जाने का हुक्म ना दे। वहां पहाड़ पर सुवरों का एक बड़ा गौल चल रहा था। उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अंदर जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आप हमारे पास आए हैं, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। और कल मैं अपने टीचर को भी बता रही थी आपके बारे में। मैंने उन्हें बताया कि इसी तरह से भाई आए, मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ, तो सारी मैंने उन्हें कन्वर्सेशन जो भी हम हुई थी मैंने उन्हें बताई। बहुत खुश हो रहे थे वो भी। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। तो बस आप खुदावंद में भरते रहे, बहुत जल्द ही मैं ईमान रखता हूँ। और अपनी जिंदगी के बारे में बाजी आपने बताना है हमें कि आप क्या करना चाहते हैं इस साल, आपके क्या विजन है, क्या विजन इस साल, तो आपने क्या क्या रखा हुआ है ताकि इस साल तो मेरे बहुत सारे मैं क्या मकासिद हैं। और सबसे तो जो मेरा बड़ा मकसद है वो मैं चाहती हूँ कि मैं सिंगर बनूँ, हॉली सिंगर। क्योंकि मुझे अपने टैलेंट पर यकीन है, मतलब मुझे पता है कि मैं ये कर सकती हूँ। सही, बहुत अच्छा। सारी बातें तो फिर होंगी। दो लाइनें कुछ सुना। ठीक है। अब क्योंकि रोजों के दिन शुरू हैं तो उसके हवाले से मैं थोड़ा सा गीत सुनाऊंगी। छी दे हाथ बढ़ा रहा आ जा तू करी, छी दे हाथ बढ़ा रहा आ जा तू करी, जख्मे निशा दिखा रहा आ जा तू करीब, तुझको वो पुकार रहा जीवन देना चाह रहा, यीशु है पुकार रहा आ जा तू करीब। छी दे हाथ बढ़ा रहा आ जा तू करीब, जख्मे निशा दिखा रहा आ जा तू करीब, यीशु है बुला रहा तुझको। बहुत ही खूबसूरत आवाज और आपका दिल करता है कि स्टूडियो में भी आप बहुत ज्यादा मैंने बताया था कि सिंगिंग जो है वो मेरा क्रेज है। तो खुदावंद आपको जरूर मौका देगा। आमीन। हमारे प्यारे भाई अगर सालोमन एंथेनियल देख रहे हैं न्यूयॉर्क से तो आपको सलाम करते हैं। ये टैलेंट है, ये बाजी है, ये बहन है, जल्द ही इनको खूबसूरत गीत भेजिए ताकि ये गा सके और खुदावंद आपके साथ हो।
आपको जरूर मौका मिल गया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक मेरी छोटी बच्ची भी, आप तो आपको पता है महंगाई का दौर, अकेली मैं किस तरह मैं सारा पूरा कर सकती हूँ। कितनी एज है बच्ची की? उसकी एक साल। एक साल। नहीं है कि मैं मतलब शोर मचाऊंगी, मैं किसी से कहूँ कि भाई मैं हूँ की हूँ ये वो, मैं चुप रहती, मैं नहीं शोर करती, ना मुझे ये चीज़ पसंद है। तो हम लोग एक दिन शायद किसी को बताए बगैर, किसी को हमने कुछ नहीं बताया, तो हम दोनों भूखे सो गए थे। काफी दफा ऐसा हुआ। ऐ मेरे जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, इस फैमिली पर तेरी बरकत चाहता हूँ, मैं बाप तुझ पर भरोसा रखता हूँ। खुदावंद बाप तू अपने बच्चों की ड्यूटी लगा दे खुदावंद, ताकि इस फैमिली के लिए ऐ खुदावंद तेरी मोहब्बत को वो भेजे, ताकि इनका कारोबार अच्छा हो जाए। ऐ खुदावंद इनके पास घर नहीं, ऐ बाप आसमानी बाप फूड के लिए भी कभी कभी नहीं होते। ऐ बाप तेरी बेटी कहती है कि कभी वो भूखे सो, खुदावंद तू मेहरबान है। ऐ बाप तूने अपने बच्चों के लिए अपनी जान दी, खुदावंद इनके लिए बाप अच्छा सिस्टर जी, ये भाई जेम्स ने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भेजा, आप उनके लिए, उनके बच्चों के लिए खास दुआ करें, उनके भी बच्चों। थैंक यू जेम्स भाई, आपने हमारे लिए ये खूबसूरत तोहफा भेजा, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपको परदेश में संभाले रखे। आमीन।